वेलकम बैक टू माय चैनल स्मित आने मकबूल टुडेस। वीडियो में बना रही हूँ गेट रेडी विद मी, क्योंकि आज है मेरी कज़न का वर्निंग। ओके, तो अभी मैं आपको क्रैक दिखा देती हूँ अपनी। अभी नहीं, कुछ इस तरीके की है मेरी ड्रेस। सो अभी मैं आपको ड्रेस को पहन के दिखाती हूँ। ओके, तो मैंने ये पहन के ड्रेस, अब हम करते हैं ये बाकी की शूटिंग। अभी मैं थोड़ा सा मेकअप करूँगी, तो मैं मेकअप का व्लॉग बनाते हैं। सो मैं करना शुरू हो रही हूँ मेकअप। तो सबसे पहले मैं फाउंडेशन मतलब क्रीम लगाऊंगी, इट इज़ बीबी क्रीम। तो मैंने यहाँ पे करवा लिए हैं, वो तो मैं अब लगाऊंगी फेस पाउडर। अच्छी लग रही हो। अच्छा, फेस पाउडर लगा लिया हमने। उसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम दोबारा एक और कोड फेस पाउडर का लगाऊंगा। टचअप के दौरान भी हम लास्ट में फाउंडेशन और लिपस्टिक का करेंगे। तो मैं बहुत कम लूँगी फाउंडेशन, क्योंकि कम ही रहना चाहिए फाउंडेशन, वरना स्टिकी हो जाती है स्किन। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा स्किन टोन मिलना चाहिए। तो ये मेरे बेबी कट्स भी है ना, इसकी वजह से दिखता नहीं है। तो मैं गर्दन का टोन भी चेंज कर लेती हूँ। चीज़ें सेम होनी चाहिए, कुछ भी डिफरेंट होना चाहिए, वरना टोन का पता चलता है। फिर अब हम इसको ब्रश की हेल्प से कर लेंगे ब्लेंड। फाउंडेशन हो चुका है हमारा अच्छी तरीके से। तो अब हम एक दफ़ा किचन का कोड लेंगे। अगर आपको याद है तो कमेंट करो जल्दी जल्दी। हम लेंगे फेस पाउडर का। हाँ, लाइक सब्सक्राइब। पीछे का बैकग्राउंड नॉइस छोड़ दें, क्योंकि वो अभी मेरा भाई भी है ना, वो भी तैयार होगा। वो टाइम बता रहे पापा को कि कितने बजे तक होना है, तैयार से वही होना होता है ना। तो इसलिए बस, और मैंने कर लिया फेस पाउडर के कोड। ये रिपीट से आवाज़ आ रही है ना, एक और रही है हमारा जयान, यही मेरी वीडियो शूट करने में हेल्प करता है। तो अभी मैंने कर लिया, अब हम ले लेंगे आई मेकअप के लिए। अब हम आई ब्रश लेंगे। अभी तुम चले जाते खेलने, बट जब तुम्हारी जरूरत होगी ना तो मैं बुला लेंगे। तो अभी मैं कौन सा लगाऊँ, गोल्डन। तो मैं गोल्डन आई शेडो यूज़ कर रही हूँ।
मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेकअप करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। पर कल स्कूल आपको पता है कितनी डिफिकल्टी होती है, बताइए होमवर्क बच्चा कब करे कब क्या करे आप ही बताएं। तो अब मैंने कर लिया आई शेड, मैंने लगा लिया, अब मैं लूँगी ब्लश। तो मैं लिटिल मेकअप करती चूँकि बच्चे को पता है ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैं लूँगी इनमें से कौन सा शेड आप कौन सा लेके, मैं तैयार लूँगी। और मैं सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया क्योंकि पहले सबसे बेहतरीन हूँ। तो अभी थोड़ा लाइट करेंगे हम ब्लश को, नहीं नहीं साइड डाल के रखते हैं। जी तो अब देख रहे थे उसने ट्रेंड पर जा रहा है, था बादल बरसे बिंजली सावन को पानी। आपको अगर उस पर वीडियो चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। फिलहाल मैंने ब्लश लगा लिया, थोड़ा अपने नोज पे भी लगा लेना, थोड़ा बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा लुक। तो आपको दिख रहा है मेरा क्या मेकअप, कैमरा और रियलिटी में बहुत फ़र्क है भाई गाइस। मैंने कोई फिल्टर वगैरह नहीं इस्तेमाल किया, वो पीछे का थोड़ा आपको बैकग्राउंड ख़राब दिख रहा होगा क्योंकि अभी मैं मेकअप यार में करूँगी, ज्वेलरी वाले काम में करूँगी या फिर हेयर स्टाइल में करने से करूँगी। वो ज़रा कैमरा शाय है तो उसके सामने तो मैं लेकर नहीं जा सकती कैमरा, तो मैं यहीं पर स्टॉप करूँगी एंड देन हम करें। तो थोड़ा सा मेकअप मेरा हो जाता है, मैंने अच्छे से आई शेडो अच्छे से फैला लेते हैं। क्या हो गया तुम्हारे ना डैड पर प्ले बटन आ गया अभी, तुम उसको खाते लगाओगे अपने कमरे में, मम्मा के कमरे में लगा देना। मम्मा का कमरा भी ना, मम्मा अपने लिए शेल्फ वगैरह लाएंगे तो फिर भी लगाएंगे। तो मेकअप तो हो चुका है, बस एक थोड़ा सा टचअप लास्ट में लिपस्टिक और आई शेडो नहीं फेस पाउडर अभी तो लगाया था भाई, लास्ट में भी लगाते हैं और थोड़ा सा मतलब आई लाइनर लगा लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो आई लाइनर डालना ये रहा, मेरा तो आई लाइनर हो गया, अब बस फेस पाउडर लगाना है दोबारा से क्योंकि हमेशा हमें फेस पाउडर को टचअप के लिए यूज़ करना चाहिए। और बाकी अभी ये शादी आखिरी मतलब बनना है, अब बस हो गया हमारा फंक्शन वगैरह फेस्टिवल्स वगैरह जो हमने करना है, अब बस हमारा है कलर। अब ये आखिरी, उसके बाद हम दूसरे ब्लॉग बनाएंगे अभी शादी वगैरह की। तो आपने मेरा तो लुक देखा होगा हर चीज़ का, तो ये फ्रॉक आपको पूरी नहीं दिखाऊंगी ना, जब पूरी तैयार हो जाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी। तो ये मेरा हो गया मेकअप डन, बस अब हम लिपस्टिक लगा लेते, कोई अच्छे से कर अच्छी लगा ना, मैं जाने लगा रही देखो अच्छी है, म्यूट कलर है। तो ये म्यूट कलर है,